तो कल हसल 2.0 का फिनाले था एंड हम सभी को पता चल गया कि हसल 2.0 का इस बार विनर कौन होने वाला है। एंड बहुत सारे लोगों को पहले से पता था, बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शन थी एंड काफी सारे लीक्स थे कि इस बार हसल 2.0 का विनर एमसी स्क्वायर होने वाला है। एंड रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला कि एमसी स्क्वायर ही हसल 2.0 के इस बार विनर है। तो भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो के ऊपर पे आते हैं तो देखो यार, कृष्णा और कर्मा का जो ट्रैक आने वाला है 9/11 के दिन, तो कलमकार ने उसका पोस्टर लॉन्च कर दिया एंड उस गाने का नाम है टोनी मोंटाना। एंड देखो यार, इस पोस्टर को देखने के बाद नाम बड़ा अजीब सा लग रहा था, इसीलिए मैं चला गया गूगल के ऊपर पे सर्च करने के लिए असल में टोनी मोंटाना का मतलब क्या होता है। और अगर मैं तुम लोग को सिंपली बताऊं तो टोनी मोंटाना का मतलब ये होता है, या फिर टोनी मोंटाना वो बंदे अपने आप को कहते हैं जो कि अपने पावर, अपने डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं या फिर उसका दावा करना चाहते हैं। एंड उसी के साथ ही ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, गूगल के ऊपर पे मैंने सर्च करा एंड तुम्हें से बहुत सारे लोगों ने गूगल पे ही सर्च करा होगा इसका मतलब एक्चुअली है क्या। एंड अगर इसका मतलब कुछ और बनता है या फिर इसका रेफरेंस या फिर कृष्णा और कर्मा कुछ और देना चाहते हैं तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन देखो यार, यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जो कलमकार ने लॉन्च करा था पोस्टर या फिर जो कह सकते हो पोस्ट, यहाँ पे वो दिखा रहे थे कि उनके कितने सारे गाने आने वाला है, तो वहां पे 7 तारीख को भी उनका कोई गाना आने वाला है। देखो यार, अभी तक उनका कोई गाना देखने को नहीं मिला है, तो देखते हैं क्या सरप्राइज ड्रॉप होने वाला है। एंड उसी के साथ ही 9/11 का जो ट्रैक आने वाला है, तुम में से कितने सारे लोग एक्साइटेड हो, और पोस्टर तो इतना खतरनाक बना रखा है एंड इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही है, तो देखते हैं क्या होगा इस गाने के अंदर। और उसी के साथ ही जो एमवे है उसका शो वगैरह हो रहा था पुणे के अंदर, तो जहां उसने एमसी स्टैन को शॉर्ट आउट दिया है तुम देख सकते हो। एंड उसी के साथ ही वहां पे उसने रफ्तार के लिए भी बोला कुछ, मेरा भाई स्टैन के लिए बहुत प्यार, पुणे का नाम रोशन किया, एमसी स्टैन के लिए आवाज करो। ओके, उस बंदे को क्या, अभी सिर्फ प्यार ही प्यार है, बाकी रफ्तार को भी बहुत सारा प्यार। देखो यार, इस चीज को देखने के बाद मेरे माइंड में एक ही चीज आ रहा है एंड वो है कृष्णा का एक गाने के लाइन, जहाँ पे कृष्णा ऐसा बोलता है कि पहले डिस फिर नो हिट, छोटे तू कहना क्या चाहता है। देखो यार, तुम में से काफी सारे लोगों जो कि इस चीज को देखने के बाद शायद से कह सकते हो कि मैं हिट फैला रहा हूँ दोनों के बीच में, बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं बस ये एंटरटेनमेंट के लिए बोल रहा हूँ। एंड उसी के साथ अगर तुम्हें याद हो तो जब रफ्तार ने एक बार एमवे को मतलब ऐसे ही बोला था कि एमवे के लिए बहुत सारा प्यार पेले चलो, तो उस टाइम पे काफी सारे लोगों ने रफ्तार को ट्रोल करा था। उसी के साथ जब ऐसा सपोर्ट करा था या फिर पेले चलो वाला जो एमवे के लिए लिखा था रफ्तार ने, तो उसके बाद काफी सारे रफ्तार को बोल रहे थे कि रफ्तार यहाँ पर भी पॉलिटिक्स करता है। एंड अभी देखो एमवे ऐसा बोल रहा, तो एमवे को शायद से भी कोई नहीं बोलने वाला कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है यहाँ पे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, शायद से तुम्हारा ओपिनियन कुछ डिफरेंट हो सकता है या फिर तुम मेरे ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हो, तो जरूर से कमेंट करके बताना, ताकि क्या पता मैं गलत सोच रहा हूँ तो उस ओपिनियन को देखने के बाद मैं समझ के सही हो जाऊं। उसी के साथ ही तलंजुम ने कृष्णा के एक ट्वीट के ऊपर पे रीट्वीट करा हुआ है, तो वो बेसिकली वो ट्वीट था जो कि तलंजुम का जो मतलब गाना वायर है या फिर शायद से ईपी आई थी, तो उसके ऊपर पे फायर इमोजी कृष्णा लगाया एंड उस तलंजुम ने कुछ ऐसा रिप्लाई करा था कृष्णा को, आई ग्लैड यू आर फीलिंग इट माय। यहाँ अगर कृष्णा से रिलेटेड बात हो रही है तो कृष्णा का जो सॉन्ग आया हुआ था आई गेस, तो उसने यूट्यूब के ऊपर पे 10 मिलियन क्रॉस कर लिया एंड उसी के साथ ही वो गाना अभी भी यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन के अंदर 11वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि अगर गानों के ऊपर पे फेक व्यूज या बॉट व्यूज है, तो वो गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में कैसे आ सकता है या फिर वो वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन में कैसे आ सकता है। एक बार को नहीं कि एक बार ट्रेंडिंग पे आगे चली गई, वो काफी टाइम से ट्रेंड कर रही है, कभी पहले, कभी चौथे नंबर पे, कभी दूसरे, कभी पहले एंड अभी 11वें नंबर पे ट्रेंड कर रही है। बॉट व्यूज और फेक व्यूज वाली बात तो मेरे तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि अगर लगाए तो ये ट्रेंडिंग कैसे आ सकता है गाना। तुम क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, जरूर से कमेंट करके बताना। और यहाँ पे अभी तुम लोग को पता होगा कि जो कर्मा का नरमाहट गाना आया था, नरमाहट सॉन्ग आया था, तो उसके अंदर में उसने छोटा और बड़ा सी वाली बात करी थी, यानी कि रॉब्सी को शॉर्ट्स लिए थे रॉब्सी के ऊपर, तो रॉब्सी का जो डिस्ट्रैक है वो कर्मा के लिए आने वाला है। अभी देखो यार, यहाँ पे शायद से तुम में से बहुत सारे लोग मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करोगे, क्योंकि देखो यार मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कर्मा और रॉब्सी को अगर डिस ही करना एक दूसरे को, तो प्रॉपर डिस करो यार। अभी इन दोनों के बीच में चीजें शांत हो जाती है, कभी एक दूसरे के ऊपर शॉर्ट्स लेना शुरू हो जाता है, तो कभी एक दूसरे को रिप्लाई देना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पे देखो मेरा ओपिनियन था, शायद से तुम्हारा ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, मेरे ओपिनियन से तुम डिसएग्री भी कर सकते हो। उसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना। अगर तुम में से कोई मेरे से बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, तुम वहाँ पे आकर मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।